श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री श्रावण शिव महापुराण तीसरे दिन की कथा नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये कथा 12 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी। श्री श्रावण शिव महापुराण में पंडित प्रदीप मिश्रा ने 2 पत्र पढ़े हैं, 3 महाउपाय बताए हैं और 8 महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पहला महाउपाय, बेलपत्र पर शहद लगाने का उपाय बताया है। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेलपत्र पर शहद लगाने का महाउपाय बताया है। दूसरा, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बताया है। तीसरा, शंकर पर चढ़े जल का नंदी के पास बैठकर आश्वर करने का उपाय बताया है। 8 प्रमुख जानकारी पंडित प्रदीप मिश्र ने आज बताई है। पहली जानकारी देते हुए बताया है कि 72 वर्ष बाद सावन का महीना आया है, सोमवार से शुरू हुआ है और सोमवार पर ही समाप्त होगा। दूसरी जानकारी देते हुए बताया है, 2 चीज़ें हैं, 1 दूरबीन और दूसरी चश्मा, दोनों से दूर की चीज़ें पास देखी जा सकती है। तीसरी जानकारी देते हुए पंडित प्रदीप मिश्र ने बताया है, सावन के महीने में कांवड़ भरने के बारे में बताया गया है, कांवड़ भरने का फल बताया है। रेवा सुतार के बारे में बताया है कि कांवड़ का फल क्या होता है। चौथी जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक आयोजन कर रहे हो तो सबको आमंत्रण देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है। 6वीं जानकारी दी है, हरतालिका तीज में 5 या 7 फूले रखकर दर्शन करने का उपाय बताया है और 5 पेड़ों की पत्ती चढ़ाने का उपाय बताया है। 7वीं जानकारी देते हुए बताया कि अपने घर से 1 लोटा जल शिव पर चढ़ाने का उपाय बताया है। पार्वती जी ने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया तो सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। 8वीं जानकारी देते हुए बताया है, 17 अगस्त को कांवड़ भरने जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा के बारे में जानकारी दी है और अटपटेश्वर महादेव का उपाय बताया है। 72 वर्ष बाद सावन का महीना आया है, जो सोमवार से शुरू होगा और सोमवार पर ही समाप्त होगा। श्रावण के महीने में मिलने वाली पावन कथा का लाभ ऐसा उठाइए, ऐसी भक्ति का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव की उदारता, करुणा, दया इस संसार सागर में, मानव देह में, मनुष्य शरीर में मात्र 1 क्षण की भी कथा अगर आपको प्राप्त हुई है तो ये आपका सौभाग्य है। शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो शिव की उदारता है, शिव की करुणा, हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया है। 1 पल, 1 क्षण, 1 घड़ी की कथा भी प्राप्त हो रही है तो 2 चीज़ें हैं, 1 दूरबीन है और दूसरा चश्मा, दोनों से दूर की चीज़ें पास देखी जा सकती हैं। ये दोनों में एक अंतर है, दूरबीन से दूर को पास की नज़र आ सकती है लेकिन स्पर्श नहीं किया जा सकता है। चश्मा दूर से नज़र आता है और उससे छू भी सकते हैं। दूर शिव महापुराण की कथा चश्मा है, जिसे हम दूर से देखते हैं पर हम शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने जाते हैं तो हम शिव के करीब पहुंच जाते हैं। शिव हमें अपनी ओर खींचता है, उसको पाने के लिए दिल चाहिए। 2 तरह के भक्त होते हैं शिव के, एक भक्त भगवान को भजता है और दूसरा शिव अपने भक्त को भजता है। आप में से कुछ शिव के भक्त ऐसे हैं जिसे शिव भजता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव के पास आते हैं, शिव के दरवाजे तक पहुंचते हैं। जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव भी हमें चाहने लगते हैं। इसलिए शिव को भजो, शिव को आपकी ओर भजने लगते हैं। जब इतना भरोसा आपके दिल में है तो शिव आपके दरवाजे तक आएगा, ये निश्चित है। आपका विश्वास, आपका भरोसा शिव पर होना चाहिए तो आप शिव तक पहुँच सकते हैं। सावन की सबसे पहली कांवड़ नारायण ने लक्ष्मी के साथ भरी थी। जब शिव ने विष पिया तो लक्ष्मी कहती है नारायण कुछ करे, तो नारायण ने 2 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। रेवा सुतार कभी मंदिर नहीं पहुंच पाया, शिव महापुराण की कथा तक नहीं पहुंचा, काम करते करते मंदिर भी नहीं जा पाया। भगवान की भक्ति कर रहे हो, सबसे सुंदर उदाहरण है घर की स्त्री। घर की स्त्री घर का काम करते करते भगवान की भक्ति भी कर लेती है। इस भारत की नारी कमज़ोर नहीं होती, वो दूसरा समय था जब स्त्री हक के लिए रोती थी, पर यह दूसरा समय चल रहा है जो अपने हक के लिए लड़ सकती है। अपने पति के लिए सीता बनो पर दूसरों के लिए चामुंडा, कात्यानी और दुर्गा भवानी बनो।